हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो करंट फीलिंग्स के लिए रीडिंग होगी कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है। हो सकता है किसी के साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट करे, कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करे। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है उसको रखिए, बाकी चीज़ों को भूल जाइए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल नोटिफिकेशन भी दबाना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। मेरे और दो चैनल्स हैं, मेरा मेन चैनल है मिस्टिक हिंदी टैरो, दूसरा चैनल है डिवाइन हिंदी टैरो और ये तीसरा चैनल है। सो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स सी कि आपके पर्सन फसाद। मैं तीन कार्ड निकाल लेती हूँ, देन वील टॉक अब ओके। टॉक अबाउट योर पर्सनस फीलिंग, हाउ आर दे फीलिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्सन इज फीलिंग, क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन इस वक्त। ओ विक्टिम, बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं मेरे हाथ से, डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ओवरवेलम डेफिनेटली फील कर रहे हैं आपके पर्सन, नॉट क्वाइट राइट ऑन द इमोशनल फ्रंट। आपके पर्सन के फीलिंग्स, हाउ आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे फीलिंग, How is this person feeling? Next, enlightenment. Okay, so पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो मैंने फील करी, लाइक वाई वेन आई वॉज शफलिंग द कार्ड्स और मेरे हाथ से बस सब कुछ गिर रहा था, एंड दीज आर ऑल्सो एनर्जीज। मुझे लगता है काफ़ी रेस्टलेस, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलम फील कर रहे हैं, ठीक है? ओके, सो लेट्स कम टू द कार्ड्स। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है देर इज़ अ लॉट ऑफ रियलाइजेशन, ओके। इस पर्सन को बहुत सारे मे बी भ्रम थे इस रिश्ते को लेकर, या फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, यू नो, भ्रम में थे किसी, ये मैं डेफिनेटली यहाँ पे देख पा रही हूँ। दिस पर्सन वॉज इन अ लॉट ऑफ फसाद, वॉज इन अ लॉट ऑफ भ्रम, वो भ्रम इनके धीरे धीरे टूट रहे हैं। होता है ना, कोई कोई पर्सन हमको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जब वक्त देना होता तब नहीं देते, जब प्यार देना होता है तब नहीं देते। तो समथिंग रिगार्ड्स टू लाइक कुछ मेजर ब्रेक थ्रू रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रहे हैं, ठीक है? सो पहला कार्ड है फसाद, दूसरा है विक्टिम। मुझे ये भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है ये पर्सन इनमें ये एक आदत कह लो या एक ट्रेट कह लो, ये पर्सन बहुत विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। गलती चाहे उनकी हो, गलती चाहे आपकी हो, रोना धोना इनको ही होता है। आपको पाने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, अपनी बात पुट ऑन करने के लिए, या जो भी है कोई बहुत बात प्रूफ करने के लिए, ये पर्सन हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। सो दिस पर्सन मे बी उनको बहुत सारे रियलाइजेशंस हो रहे हैं, ये तो मैं मेजरली देख पा रही हूँ। दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एनलाइटमेंट हो रही है, या इनके जो भ्रम थे खुद के ईगो को लेकर, खुद के यू नो, मुझे तो तेरी ज़रूरत ही नहीं है, आई डोंट नीड यू, आई डोंट वांट यू, ये भ्रम भी कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग हियर। एनलाइटमेंट डेफिनेटली एक हायर लेवल पे हो रही है, ओके? सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, हाउ इज़ दिस पर्सन फीलिंग। इस पर्सन के इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है? ओके, द चैरियट कैंसर एनर्जी है, यानी कि कर्क राशि। इस पर्सन के फीलिंग्स, आपके पार्टनर के फीलिंग्स क्या है इस वक्त? क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, वाटर साइन। इस पर्सन के फीलिंग्स क्या है इस वक्त? व्हाट आर दे फीलिंग, हाउ आर दे फीलिंग। एस ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो और सेकिटेरियस। इस पर्सन के फीलिंग्स क्या है इस वक्त? जैसे मैंने कहा, मुझे रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है। मून पाइसीज, वन मोर, हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग? पेज ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सेकिटेरियस। ओके, सो अ लॉट ऑफ रेस्टलेसनेस इस टैरो के स्प्रेड में भी मुझे थ्रू आउट दिख रही है। नॉट हैप्पी, नॉट फाइंडिंग अ वे कि कैसे अब तक पहुंचा जाए या क्या किया जाए, व्हाट नेक्स्ट। ये इस पर्सन के दिमाग में कंफ्यूजिंग, मतलब कंटिन्यूसली चलते रहता है कि आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, यही, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली गोज इन देयर माइंड। एंड आई थिंक वो एक मूवमेंट चाहते हैं, मे बी उनको नहीं समझ आ रहा है, दे आर डायरेक्शन उनके खो चुके हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, बट उनको चाहिए कि आगे बढ़ना है, विक्ट्री चाहिए। दे वॉन्ट टू ब्रिंग एवरीथिंग ऑन ट्रैक,
इज़ व्हाट आई फील. मे बी सब कुछ आउट ऑफ ट्रैक, उनको उनकी नज़र से लग रहा है कि सब कुछ इज़ आउट ऑफ ट्रैक एंड आउट ऑफ बैलेंस. एवरीथिंग नीड्स टू बी बैलेंस्ड आउट. बट एक चीज़ यहाँ पे है कि दे वॉन्ट सक्सेस, दे वॉन्ट विक्ट्री विथ यू. नेक्स्ट, लुकिंग बैक, टेकिंग अ लुक कि किसकी गलती थी, क्या थी, मैंने क्या गलती की, मैं क्या अच्छा कर सकता था. सो दे आर रिफ्लेक्टिंग बैक. ओके, डेफिनेटली लुकिंग इन टू दस, यू नो, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को नज़र पे अपनी नज़र डाल रहे हैं और सोच रहे हैं व्हाट कुड हैव बीन डन, कैसे हो सकती थी चीज़ें, कैसे कर सकता था मैं, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकता था. सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन. दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली अलॉट इमोशनल अबाउट यू. ये पर्सन बहुत इमोशनल है, इसमें कोई शक नहीं है. दिस पर्सन फीलिंग्स आर वेरी ट्रू एंड वेरी जेन्युइन क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है. बट दे आर अ हर्ट, दे आर अ बिट हर्ट. ओके, एक बिगनिंग करना चाहते हैं. मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं हाउ टू ब्रिंग दिस बिगनिंग विथ यू. ये पर्सन प्लान कर रहे हैं कैसे इस बिगनिंग को लाया जाए, कैसे इस बिगनिंग को किया जाए, हाउ टू ब्रिंग अबाउट दिस सिचुएशन. मतलब कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, हाउ टू ब्रिंग थिंग्स बैक टू नॉर्मल, यू नो, सॉर्ट आउट कैसे किया जाए. सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, मे बी अपने आप से, यू नो, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं. दे वॉन्ट टू ब्रिंग दिस न्यू बिगनिंग विथ यू. दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, डेफिनेटली हाइडिंग देयर फीलिंग्स, बट दे हैव देयर आइज ऑन यू. नज़र है इनकी बट हाइड कर रहे हैं. मे बी आपको स्पाई करते हैं, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है, एज गैप है यहाँ पे. काफ़ी लोग यहाँ पे यंगर फायर साइन या कोई भी साइन से डील कर रहे हो सकते हो. साइंस डजेंट मैटर, ठीक है, जिनको जानना होता है उनके लिए हम बताते हैं. बट दे आर डेफिनेटली हाइडिंग देयर फीलिंग्स, दे आर ऑन टॉप ऑफ देयर फीलिंग्स. मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना कि सिर्फ आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे बस, बल्कि अपने आप के फीलिंग्स से भाग भी रहे दूर. ओके, वॉट मोर डू वी हैव. ये पर्सन और क्या महसूस कर रहे हैं, वॉट इज दिस पर्सन फीलिंग. आई डोंट नो वाई बट मुझे ऐसा फील हो रहा है दिस पर्सन वॉन्ट्स टू से अ लॉट टू यू, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं. हायरोफेंट टॉरस एनर्जी है. वॉट मोर डू वी हैव इस पर्सन की फीलिंग्स में. द टावर स्कॉर्पियो. और क्या जान, क्या है इस पर्सन के दिल में, हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग राइट नाउ. ओके, यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस पाइसिस. नेक्स्ट है यहाँ पे द हर्मिट. डेफिनेटली अपने इंट्यूशन को फॉलो करने के बारे में सोच रहे हैं या फॉलो करना चाहते हैं. देर जैसे यहाँ पे एनलाइटमेंट कार्ड भी आया था, डेफिनेटली ये पर्सन इज एनलाइटेंड. उनको सही गलत की समझ अब हो रही है, रियलाइजेशंस काफ़ी हो रहे हैं. वर्गो एनर्जी है द हर्मिट के साथ एंड काफ़ी रियलाइजेशंस इस पर्सन को हो रहे हैं रिगार्ड्स दिस रिलेशनशिप, रिगार्ड्स टू दिस रिलेशनशिप के फ्यूचर. कितना ग्रांड फॉर ग्रांटेड लिया इस पर्सन ने आपको. देर इज़ अ लॉट ऑफ रियलाइजेशन गोइंग ऑन. मे बी इनको बहुत अच्छी एडवाइस मिल रही है फ्रॉम समवन, ठीक है. मे बी समवन इज़ एडवाइजिंग देम, गाइडिंग देम. अच्छी एडवाइस मिल रही है, जो भी एडवाइस मिल रही है काफ़ी अच्छी एडवाइस मिल रही है. आई थिंक दिस पर्सन इज़ डिवास्टेटेड. ये पर्सन बहुत हिल चुके हैं, मतलब दे आर शुक, दे आर लिटरली शुक बाई एनीथिंग दैट इज़ हैपन. ये टावर मोमेंट मे बी वॉज अ पास्ट. ये टावर मोमेंट आ चुका है. दोनों को ही बहुत कुछ झेलना पड़ा, दोनों को अफेक्ट हुआ है. एंड दे आर ट्रस्टिंग देयर इंट्यूशन, उनके इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं. उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है एंड ऑल्सो दे आर गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम समवन हु नोज बेटर. मे बी ये किसी टैरो कार्ड रीडर से गाइडेंस ले रहे हैं या फिर यू नो समवन हु नोज द ट्रुथ, ठीक है. कोई जो रैशनल है, कोई जो बहुत अच्छी सलाह देता है, समवन हु गिव्स अ नाइस एडवाइस. मे बी किसी टैरो रीडर से या एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट कर रहे हैं टू नो मोर अबाउट यू, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर. चलिए ओरेकल से देखते हैं व्हाट मोर डू वी हैव इस पर्सन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में, और क्या जानना ज़रूरी है. व्हाट शुड यू नो राइट नाउ, हाउ इज़ दिस पर्सन फीलिंग, व्हाट इंटेंशंस दे हैव, क्या कुछ है. जस्ट वॉन्ट वन कार्ड ऑब्जर्व. मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग टू यू. मे बी ये बात नहीं कर रहे बट ऑब्जर्वेशन काफ़ी चल रहा है, ठीक है. तो ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं. नंबर 12 है यहाँ पे. ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली चल रहा है यहाँ पे. टू नो बेटर, सिचुएशन को समझना शुरू है इस पर्सन की तरफ से. दे ट्राइंग टू ऑब्जर्व एंड गेट टू नो, के रिफ्यूजिंग टू सी. सो दिस वॉज पास्ट. आई थिंक, मुझे नहीं लगता ये अभी की सिचुएशन है. ये पर्सन मे बी इन पास्ट बहुत डिनाइल में थे
अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे थे, आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे थे, आपके फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे थे एंड इस रिश्ते को नहीं समझ पा रहे थे, द डेप्थ ऑफ दिस रिलेशनशिप उसको नहीं समझ पा रहे थे एंड नाउ दे आर एबल टू सी, नाउ दे आर एबल टू सी वेरी क्लियरली. ओके, व्हाट नेक्स्ट? क्लैरिटी ऑफ बिलीव. डेफिनेटली क्लैरिटी आ रही है इस पर्सन के दिलो दिमाग में, इस रिश्ते को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर. एंड इट्स वेरी, इस पर्सन के लिए अब बहुत आसान हो रहा है सारी चीज़ों को देखना, समझना, जानना, परखना. ओके, सो या ब्यूटिफुल. हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं. व्हाट डू वी हैव? आपको क्या जानना ज़रूरी है इस वक्त? व्हाट शुड यू नो राइट नाउ? फर्स्ट है यहाँ पे एज डिफरेंस. जैसे मैंने बोला, एज डिफरेंस, काफ़ी लोग यहाँ पे, यू बोथ आर इन एन एज डिफरेंस. सॉरी, फगीव मी. तो ये फगीवनेस चाहते हैं. रेस्टलेस एनर्जी मुझे थ्रू आउट यहाँ पे फील हुई है. ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे. जो आना होगा कार्ड वो आएगा. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. बिलीफ, सी क्लैरिटी ऑफ बिलीफ. कुछ सोच रखा था इस पर्सन ने, कुछ बिलीव्स बना रखे थे एंड मे बी वो बिलीव्स उनको अभी चेंज करने पड़ रहे हैं. दे नीड टू वर्क ऑन देयर बिलीव्स. नेक्स्ट यहाँ पे है वॉइस. तो मे बी ए पर्सन आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं. व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट है कोडिपेंडेंसी. सो ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो चुका है. अब तो कोडिपेंडेंट आप हो उन पे या वो है आप पे. चलिए हैंड रिटन लव स्क्रोल्स देख लेते हैं हमारे. पहला है यहाँ पे थर्ड पार्टी. तो अगर थर्ड पार्टी थी तो बहुत जल्दी वो थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी. टॉक टू देम. सो दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू टेक द लीड एंड टॉक टू देम. या फिर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि उनसे बात करो खुद से. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है क्रश. सो यू हैव, मतलब कोई तो आप पे क्रश करता है, क्रश रखता है, किसी का तो आप पे क्रश है. मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ. सो रेस्टलेस आई एम फीलिंग राइट नाउ. कॉम्प्रोमाइज़, मे बी आपको एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. सब कुछ आपके मन मुताबिक नहीं होगा. नेक्स्ट है यहाँ पे अनफॉर्गेटेबल. तो ये पर्सन आपको नहीं भूल पा रहे हैं. यू आर अनफॉर्गेटेबल फॉर दिस पर्सन. नेक्स्ट यहाँ पे है वक्त सब ठीक कर देगा. सो टाइम विल हील एवरीथिंग. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है फगीव मी. तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो. फगीव मी का कार्ड आई थिंक ऑलरेडी आया था. या सॉरी, फगीव मी. ठीक है, और लास्ट जो मैसेज है वो है मुझे मिलना है तुमसे. सो मे बी आप दोनों मिले नहीं हो या बहुत टाइम हो गया मिल के. सो दे वॉन्ट टू मीट यू. ओके, सो बस यही थी रीडिंग. कैसी लगी आपको? पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर ज़रूर करिए. अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.